देखो इस लड़की को नींद नहीं आई है। सो जा, अब तो सो जा। नहीं, सुबह हो गई। सुबह हो गई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम है और मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, तो बस यहाँ पे थोड़ी सी डस्टिंग भी करना थी, टीवी यूनिट जो है ना साफ करना था और फैन वगैरह साफ करने थे, तो बस यही काम कर रही हूँ। और इनाया देखो सीढ़ी पर चढ़ रही है साथ ही में। तो बस झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद जो है ना अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे शाम के लिए जो है ना चने भिगो कर रख रही हूँ, जिससे चना चाट बनाऊंगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर देख रही थी, वैसे पैकेट वाले जो है ना सामान साफ ही रहता है, लेकिन फिर भी ये खाद तो हम लेडीज मारते हैं कि चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। और साथ ही में यहाँ पे बच्चों के लिए खाना बनाने रख रही हूँ। तो आज आलिया ने कल बोला था कि मम्मा मुझे इडली सांभर खाना है, क्योंकि उसको इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं। तो सांभर में जो है ना मैंने कद्दू डाल दिया, टमाटर, प्याज और यहाँ पे तुअर दाल धोकर डाल दी, और इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के मैं खूब सारी सीटियाँ ले लूँगी, मतलब खूब सारी का मतलब 4-5 सीटियाँ ले लूँगी, जैसे सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएंगी। और फिर जो है ना मैंने कुकर चढ़ा दिया है और यहाँ पे साथ ही साथ मैं वेटर भी बना कर रख देती हूँ सूजी का। तो सूजी की इडली मैं ज़्यादातर बनाती हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाती है, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि इनू तो है ही नहीं, इनको इसमें मैं डालूँगी क्या जिससे ये फूल जाए। तो फिर मैंने सोचा अब क्या मंगाऊँ, दोपहर का टाइम है तो एक इनू के लिए भेजना पड़ेगा दूर, तो फिर इसलिए मैंने सोचा चलो खाना थोड़ा ही मैं डाल दूँगी। तो फिर मैंने फ़िलहाल घोल बना कर रख दिया है और यहाँ पे मैंने दूध से मलाई भी निकाल कर रख दी, और ये हरी प्याज रखी हुई थी तो इसको जो है ना मैं कट करके रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर जो है ना जब भी सब्जी बनाऊँगी तो बना दूँगी जल्दी से। और यहाँ पे जो है ना दूध गुनगुना करके मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, तो मैं दोपहर में ही दही जमा देती हूँ, जिससे जो है ना सुबह सहरी के लिए दही अच्छा सा तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर एक साइड मैंने सारा सामान रख दिया और यहाँ पर बच्चे भी जो है ना अभी सो रहे हैं। तो लाइट चली गई इस वजह से मैंने इसको गैस पे रख दिया, तो अभी सीटियाँ ले ली हैं तो अभी खोलेंगे थोड़ी देर से। और यहाँ बच्चे भी उठ गए और यहाँ पर ये कुछ साबुन मैंने मंगाया था अमेजोन से, अभी कुछ आना भी है। तो अभी इलायची आ गई है, नारियल का बुरादा आ गया है, और ये नारियल का बुरादा सही आया, वैसे यहाँ से लेते हैं ना तो बारीक वाला आता है, तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा है दरदरा। तो ये देखो इनाया दिखा रही है केक, तो ये कुकर केक मिक्स आया है जो कि बच्चों के कहने पे मंगाया था, तो इसको बनाकर देखेंगे शाम को। चॉकलेट केक मंगवाया है, 2 पैक आए हैं, और ये टूटी फ्रूटी मंगाई है और लाल मिर्च पाउडर, तो टाटा संपन्न पहली बार मंगाई है ना, और ये चीज़ें तो मैंने रमज़ान की वजह से मंगाई हैं, तो इसको रख देते हैं, इसको फ्रीज में रख देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं अच्छा लगता है। आटा की है, ऐसे पे आटा है इसके अंदर। नहीं, लाल मिर्च पाउडर है, चपड़ी है, चपड़ी है, इसको भरते इसका पाउडर भी बना के रखूंगी मैं, आधी और आधी ऐसे ही रख दूंगी क्योंकि पाउडर ना ख़त्म हो गया है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे जो है ना अब बच्चे तो उठ गए हैं, तो बस यहाँ पे इडली बनाने लगी हूँ। तो साथ ही में जो है ना मुझे तड़का भी लगाना है सांभर में, तो जिस तरीके से मैं सांभर बनाती हूँ बहुत ईजिली बन जाता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने खाना सोडा और नमक डाल दिया है, तो बस इडली बनाने रख देती हूँ एक साइड स्टीम होने, और एक साइड में तड़का भी लगा देती हूँ। और साथ ही साथ मैं एक कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी कि कल मेरी एक प्यारी सिस्टर का कमेंट आया कि आपके हस्बैंड तो जो है ना रोज़ा रखते ही नहीं हैं। तो डियर सिस्टर, आप मेरे घर पर आई थी, आपने देखा था कि मेरे हस्बैंड रोज़ा रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरे घर में कौन रोज़ा रखता है कौन नहीं रखता। डियर सिस्टर, जो है ना रमज़ान की सभी लोगों को अहमियत पता है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, रोज़े रखना चाहिए, और जो चीज़ें हम पे फ़र्ज है वो हर कोई उस फ़र्ज को निभाना जानता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही किसी से नहीं बोल सकते, शायद आपके घर में आपके हस्बैंड रोज़ा नहीं रखते होंगे, शायद आप नहीं रखते होंगे, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन जब आपने भी बोला तो मुझे भी बुरा लगा, ठीक है ना।
तो हर एक मुसलमान को अपना फ़र्ज पता है और हर इंसान को रोज़े की, रमज़ान की इबादत की अहमियत पता है, ठीक है ना। तो आप किसी से भी ऐसे नहीं बोल सकती हो। और मेरे व्यूवर्स भी कमेंट करके बताना कि इस बात पे आप लोग क्या बोलते हो, मुझे इसका रिप्लाई देना सही है कि नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कोई भी इस तरीके से मेरे हस्बैंड से बात करे, ठीक है ना। तो बस वैसे तो मैं देना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखे या किसी को बुरा लगे, क्योंकि रमज़ान का महीना मोहब्बत का महीना है। इसमें हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, हमें इसमें सभी के साथ मोहब्बत से रहना है, वैसे तो हमेशा ही रहना चाहिए, लेकिन एक रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि जिसमें हमें हर बुरी चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है ना। तो बस मैं वैसे तो कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब क्या करूँ, अगर मेरे हस्बैंड से कोई इस तरीके से बोलेगा तो मैं तो बोलूँगी ही। और दूसरा कमेंट था कि मैंने जो मतलब नात की वॉइस डाली है, साउंड डाला मैंने, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने तो खैर अच्छे से कहा कि ये गुड़िया की दुनिया की वॉइस है, उनकी नात है, उनको क्रेडिट दो। तो हाँ, मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, और लेकिन एक सिस्टर ने बोला कि कॉपी कटो। तो डियर सिस्टर, अगर किसी की अच्छी चीज़ है, अगर हम उसको कॉपी करते हैं तो अच्छी बात है ना। अगर हम किसी को देखकर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन गलत चीज़ों को कॉपी करना गलत है। तो मैं कभी किसी की गलत चीज़ों को कॉपी नहीं करती हूँ, हमेशा अगर कोई अच्छी चीज़ें करता है, कोई अच्छे काम करता है, तो उसको देखकर हम भी सीखते हैं। और फिर जब हम वीडियो वगैरह बनाते हैं, अगर हमारी वीडियो में कुछ अच्छा होता है, तो अगर उसको देखकर कोई अच्छी चीज़ें सीख रहा है, उसको कॉपी कर रहा है, तो अच्छी बात है। वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमारी वीडियो से कोई अच्छी चीज़ें सीखे, ठीक है ना। तो इसमें कोई कॉपी कट वाली बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे तरीके से सोचेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी की नज़र में और किसी के दिल दिमाग में गंदगी भरी होगी तो फिर वो तो उसी तरीके से बोलेगा ना। चलिए ठीक है, अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, बस ये कि कभी कभी कुछ चीज़ें लग जाती हैं तो इसलिए बोलना पड़ता है। तो चलो यहाँ पर आप लोगों से बात करते हो, मेरी पूरी इफ्तारी जो है ना तैयार हो गई है। तो बस अभी टाइम हो गया है 6:10, और अभी मेरी इफ्तारी जो है ना तैयार हो चुकी है। तो आज मैंने बनाए हैं ये कटलेट बनाए हैं पोहा और आलू के, ये चीले बनाए हैं, और ये इडली, चना चाट दो तरह की, एक आलू वाली एक बिना आलू की, और ये चीला है, फ्रूट है, रूह अफ़ज़ा है। तो बस ये मैंने आज इफ्तारी तैयार की है, और किचन का हाल आपको दिखाती हूँ। तो बर्तन काफ़ी सारे हो गए क्योंकि मैंने दोपहर के बर्तन भी साफ़ नहीं किए थे, और फिर अभी इफ्तारी में तो बर्तन होते ही हैं। तो अभी 20 मिनट है, तो मैं सोच रही हूँ पहले जो है ना बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर इफ्तारी के बाद भी जो है ना बर्तन हो जाती है, तो इसलिए अपने सिंक को मैं खाली कर देती हूँ। बड़े बड़े बर्तन ज़्यादा इसलिए भरा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से ये करते हैं, थोड़े से चने बच गए हैं तो ये कल काम आ जाएंगे, तो इनको मैं कटोरी में रख के फ्रीज में रख देती हूँ। चलिए करते हैं। तो बस अभी सारा काम हो गया है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ऐलान होने का। तो वैसे तो टाइम हो गया है इफ्तारी का, फिर भी उनके ऐलान का, क्योंकि हमारे साइड इस साइड मस्जिद है तो इधर से आवाज़ आती है, यहाँ पे अक्सर खड़ी है। अभी वो क्या कर रहा है? जी रोज़ गेहूँ भूजते हैं, गेहूँ भून के खाते हैं, कच्चे गेहूँ। देखो इनकी बकरी का छोटा सा बच्चा। मौला मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला, मेरे मौला मौला कर।
बस अभी हो गया है रात का टाइम और यहाँ फिर से चढ़ गया है कुकर, क्योंकि इसमें बना रही हूँ मैं दाल चावल, तो दाल बना रही हूँ फिर चावल बनाऊंगी तो फिर से खाना बन रहा है। तो बस यही रहता है कि इबादत करो और खाना बनाओ, तो अभी यही चल रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नाया तैयार हो रही है। हाँ नहीं बस ऐसी अच्छी है, अच्छी लग रही, सुंदर क्यूटी पाई। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी बच्चों को खाना खिलाने लगे हैं, दाल चावल बनके रेडी हो गए हैं और यहाँ पे बच्चे साथ ही साथ टीवी देख रहे हैं। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।